हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज मिक्सर ग्राइंडर प्लेटिनी PX7 का। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और इसका रिव्यू करते हैं, इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसे हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये रहा यूजर मैनुअल, किस तरह से इसे यूज करना है, इसमें सारा कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा और किस किस जार में किस तरह का ब्लेड लगा हुआ है सारा कुछ डिटेल दिया गया है और सारा चीज़ का जो जो काम है वो इसमें दिया गया है। तो ये भी देख के आप सीख सकते हैं और फर्स्ट में अगर जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में बने रहें, हम धीरे धीरे सारा जानकारी देंगे। और ये रहा वारंटी कार्ड हमारा, इसमें सारा आपका डिटेल भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे इसका मॉडल, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट में बनाया गया है, कहीं भी ले जाने के लिए आसानी होगा आपको और कहीं भी आप आसानी से इसे रख सकते हैं। तो ये रहा इसका मोटर और जार देख लेते हैं। इसमें जार है, एक बॉक्स आता है, इसी में तीनों जार रहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग रखते हैं, अब इसमें देखते हैं किस तरह से दिया गया है जार वगैरह। तो ये फर्स्ट में ये देख रहे होंगे मसाला और चटनी जार इसे कहते हैं और इसका क्वालिटी जो कि है दबाने से एकदम नहीं दब रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी दी गई है। और इसका जो कॉपलर है ये भी काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट मीडियम साइज़ के जार की। तो ये देख रहे होंगे ये भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है और इसमें एक हैंडल दिया गया है जो कि आपको पकड़ के निकालने के लिए बहुत ही आसानी रहेगा ये। और ये है ड्राई वेट जार, इसमें आप सूखा पीस सकते हैं आसानी से, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये बिग साइज का जार, इसमें ये देखने के लिए मिल रहा फ्रेंड्स कि देख रहे होंगे इसके साइड में काफ़ी अच्छा दिया गया है। इससे क्या होगा कि जब भी आप इसके कैप को खोलेंगे, कैप को खोलने के बाद इसमें से गिरना इम्पॉसिबल है कि कोई भी चीज़ से बाहर नहीं आएगा जो भी आप इसमें ग्राइंड करने वाले हैं। तो ये देख रहे होंगे इसमें ट्रांसपेरेंट ढक्कन दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं ऊपर से है कि ये पिसा हुआ है या नहीं, या पानी इसमें डालना है कि नहीं, ये देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, ये टूटा वगैरह नहीं है, काफ़ी अच्छा मटेरियल का ये बनाया गया है। और फ्रेंड्स इसमें जो है कैप, इसमें लॉक दिया गया है। तो बहुत कोई कहते हैं कि लॉक खोलने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और जो कि अगर लॉक आपका टूट भी जाता है तो ये नॉर्मल ये आसानी से खप जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स जार की कैपेसिटी, सब जार की कैपेसिटी मैं बता देता हूँ बारी बारी से। तो ये देख रहे होंगे तीनों जार है, ये 1.5 लीटर का जार है और ये 1 लीटर का है और ये 0.4 लीटर का जार है। और फ्रेंड्स इसकी बिल्ट क्वालिटी की बात कर ले तो काफ़ी अच्छा दी गई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे एयर के लिए यहाँ दिया हुआ है और इधर भी एयर के लिए दिया गया है, जैसे कि यहाँ अंदर में मोटर चलता है तो कूल रहे उसके लिए दिया गया है। और इसका मोटर भी बहुत ही अच्छा है, 500 वाट का ये मोटर है। और फ्रेंड्स इसका मेन स्विच का बात कर ले कि किस तरह से आपको ग्राइंड करना है। तो नॉर्मल अगर फर्स्ट में आप ग्राइंड कर रहे हैं तो 1 नंबर पर रखिए, फिर इसको 30 सेकेंड आप रख सकते हैं, उसके बाद फिर इसमें 2 में जाना है, इसमें भी 30 सेकेंड आप रख सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको जब तक नहीं ये पिस जाता है तब तक आपको ये तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए अगर जब भी आप पीस रहे हैं देखें कि अगर थोड़ा सा बचा हुआ है पीसना, आपको 10 सेकेंड 5 सेकेंड और पीसना है, तो आपको क्या करना है, नया फीचर्स दिया गया है जैसे कि इसमें इस तरह से लेफ्ट साइड में घुमाइएगा तो ये ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। जब तक ये घुमा के रखिएगा तब तक ये चलता रहेगा, अगर छोड़ दीजिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसकी वारंटी की बात कर ले तो पहले ये 1 अक्टूबर 2021 के बाद अगर आपने परचेज किया है तो उसका वारंटी आपको 5 साल मोटर में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स प्राइस की बात कर ले तो ये आपको 2600 से लेकर 2800 तक में मिलेगा और ऑनलाइन आपको 2700 से 2800 में आसानी से अलग अलग साइट पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी अच्छा मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो। और भी फ्रेंड्स आप अगर पूछना चाहते हैं कुछ तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।